दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल के एक और वीडियो में। और आज हम रिपेयर करने वाले हैं ये चोवा हेयर ड्रायर। और ये जो हेयर ड्रायर है ये पूरे तरीके से डेड है, ना ही इसका फैन वर्क कर रहा है और ना ही इसका हीटर वर्क कर रहा है। देखिए, मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो पावर, ये मैं लगा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसे हम कैसे रिपेयर करेंगे आज के इस वीडियो में, मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस हेयर ड्रायर को हम ओपन कर लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो यहाँ देखिए आप दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है। और सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी ये जो मेन लीड है, इस मेन लीड को पहले हमें चेक करना है, मेन लीड ठीक है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका दोस्तों जो मेन वायर है, मेन वायर का एक ये जो ब्लैक वाला तार है ये ख़राब है। और साथ में इसका ये जो डायोड है, ये देखिए आप, ये डायोड भी यहाँ से पूरा जल के ये देखिए टूट गया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें कौन सा डायोड हम लगाएंगे और इसका नंबर क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, एक तो ये वायर टूटा हुआ है यहाँ से, और ये जो डायोड है, ये डायोड यहाँ पर जलकर शॉर्ट हो गया है। तो इसकी अब जो वायरिंग है वो हम किस तरह से करेंगे वो भी समझा दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसका ये जो डायोड है, डायोड को हमें चेंज करना होगा। और इस डायोड का जो नंबर है दोस्तों, वो आप देखिए, यदि आपको ठीक से दिखाई दे तो इस डायोड का जो नंबर है दोस्तों, ये है 5399 5399 का ये डायोड इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस डायोड को हम डिसोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसका जो वायर है, वायर को हम डिसोल्ड कर लेते हैं। देखिए, वायर डिसोल्ड कर लिया है मैंने। और अब इसके बाद यहाँ से इस डायोड को डिसोल्ड करेंगे हम। यहाँ से हमने एक साइड से निकाल दिया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें वाइट पट्टी किस साइड दी हुई है डायोड की, तो इस साइड हमको वाइट पट्टी लगानी है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ से भी इसको डिसोल्ड करते हैं पहले। तो यहाँ से हमने इसको डिसोल्ड कर लिया है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्विच है, स्विच को भी हमें चेक करना है, कहीं स्विच तो ख़राब नहीं है। तो देखिए आप, इसके दोनों पॉइंट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, तो स्विच भी एकदम ओके है। और अब इसमें जो डायोड है वो हम लगाएंगे यहाँ पर। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायोड का नंबर आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, 5399। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए, 5399। तो ये 5399 हम इसमें लगा देते हैं दोस्तों पहले। अब इसके बाद इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर लिया है मैंने। और अब दोस्तों, इसकी जो वायरिंग्स है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए, पहले इसके जो स्विचेस हैं ये मैं वापस फिक्स कर देता हूँ, ताकि आपको जो वायरिंग है वो इजीली समझ आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दो वायर आए हुए हैं इसके अंदर से, हीटर और आर्मेचर वाले। तो सबसे पहले इसका ये वाला जो तार है, एक ये वाला, ये पहले हम सोल्डरिंग कर लेते हैं इसके डायोड की वाइट वाली जो पट्टी है इस पर। वो तो एक वायर हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिया है, और जो दूसरा वायर है वो भी दोस्तों यहीं पर सोल्डरिंग करना है। तो चलिए, पहले इसको हम छील लेते हैं।
और इस पर पहले सोल्डरिंग लगा लेते हैं हम। और दोस्तों इस वायर को सोल्डरिंग करने से पहले आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, इसका ये वाला जो वायर था जो कि बता नहीं रहा था, ब्लैक वाला वायर, इसका जो मेन तार था दोस्तों, इस सोल्डरिंग होने के दौरान आप देखिए ये जो वायर था, ये यहाँ से जलने के कारण से ये जो वायर है ये यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है ये वायर। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि इस वाले वायर को भी ठीक से सोल्डरिंग करना है। तो आप देखिए यहाँ से ये पूरा तार जो है ये टूटा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से जो वायर है इसको कट करके मैं एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ इसमें से वायर। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो वायर है ये निकाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, ये वाला जो वायर है इसको हमें यहाँ पर सोल्डरिंग करना है। देखिए यहाँ पर इसका जो तार है, तार भी मैंने निकाल दिया है। और इस वायर को सोल्डरिंग करने से पहले एक बार और इसकी जो टेस्टिंग है ये हम कर लेते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर ये देखिए, और हमें यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, यानी कि इसकी जो मेन लीड है ये भी एकदम ओके हो गई है। ये अब इसका जो वायर है, वायर पहले हम सोल्डरिंग कर देते हैं इसके पुश पुश वाले स्विच के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, अब इसका ये वाला जो वायर है जो कि इस आर्मेचर से आया हुआ है, तो ये भी हमें दोस्तों यहीं पर सोल्डरिंग करना है इसी वाले पॉइंट पर। ये देखिए, क्योंकि एक साइड का जो डायोड का जो पॉइंट होता है वो हमें खाली छोड़ना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये वायर भी मैंने यहीं पर सोल्डरिंग कर दिया है। चलिए अब इसके जो स्विचेस वगैरह हैं ये हम वापस फिट कर देते हैं पहले जैसे। बने रहिए आप वीडियो में, देखिए आप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है वो भी हमने कर दी है। देखिए दोस्तों, इसका जो मेन डायोड था ये हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। और जो दोनों वायर थे, हीटर और आर्मेचर वाली, उसका वायर हमने डायोड के एक पॉइंट पर सोल्डरिंग कर दिया है। और एक पॉइंट ये यहाँ पर खाली रहेगा, अदरवाइज़ ये जो वायरिंग थी ये भी ठीक है। और यहाँ से इसकी जो मेन लीड है, मेन लीड का वायर भी हमने कट करके इसको भी ठीक कर दिया है। चलिए अब इसका जो कैप है, कैप में लगा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों इसका ये जो कैप है, कैप मैंने लगा दिया है। चलिए अब इसके जो पैचेस हैं, पैचेस को भी हम लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए आप, तो दोस्तों यहाँ पर हेयर ड्रायर कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पर लगाते हैं इसको, और अब देखिए आप यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर जो 100 वाट का बल्ब है ये लोड नहीं लेगा। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए आप ये देखिए, और इसका जो हीटर है, हीटर भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डेड हेयर ड्रायर को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मोस्टली जो फॉल्ट आता है वो इसका जो डायोड है, 5399 जो डायोड होता है मोस्टली वही शॉर्ट होके ख़राब हो जाता है। और अदरवाइज़ इसमें कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी वो पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।